हाँ जी हेलो। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसका आज पहला पार्ट होगा। आज के पार्ट में हम लोग पहले क्लासिकल अटेम्प्ट्स पढ़ेंगे, जो किस तरह से साइंटिस्टों ने इस पे अटेम्प्ट करे। तो पहले इस चैप्टर का नाम जैसे है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यानी हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है। तो पहले हमें इसका रीजन पता होना चाहिए कि हमें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्या पड़ी। तो पहला जो पॉइंट आएगा, वाई वी नीड क्लासिफिकेशन, हम लोगों को क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे एलिमेंट खो जा रहे थे वैसे रहते, जरूरी था उनको हमें टेबल में डालना या ग्रुप्स में डालना, पीरियड्स के अंदर डालना, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो हुआ ये था कि जैसे जैसे एलिमेंट्स खोजे जाते गए, वैसे वैसे उनकी स्टडी करना क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया। और हमेशा सिस्टमेटिक तरीके से क्या करें, हम लोग किसी भी चीज को स्टडी करें तो वो क्या जाती है, ज्यादा इजी जाती है याद करनी समझनी। तो इसलिए जैसे 18 सेंचुरी में जो एलिमेंट्स थे, अराउंड 18 एलिमेंट्स जो थे वो पता चल चुके थे उस टाइम पे। उसी के 65 ईयर्स के बाद करीबन 63 एलिमेंट्स जो थे वो मिल गए थे। यानी लगातार टाइम के साथ एलिमेंट्स क्या हो रहे थे, खोए जा रहे थे। तो प्रॉब्लम क्या थी कि नए नए एलिमेंट्स खोए जा रहे हैं, तो उनको एक तरह से सिस्टमेटिक वे में रखने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए। तो इसके लिए जो अटेम्प्ट किए गए वो उनके एटॉमिक वेट के बेसिस पे किए गए। जस्ट स्टार्टिंग में जो थोड़ा सा समझने लायक अटेम्प्ट थे वो एटॉमिक वेट बेसिक क्राइटेरिया लिया मोस्ट ऑफ द साइंटिस्टों ने किस चीज के लिए, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो अटेम्प्ट हम लोग रीड करते हैं वो है डोबे राइनर का, डोबे राइनर्स ट्रायड। पढ़ा होगा आप लोगों ने, ट्रायड्स क्या होते हैं। अच्छा, ट्रायड से क्या मतलब समझ में आ रहा है, ट्रायड्स क्या होते होंगे बताओ जरा भाई। इसके आगे क्या आ रहा है, ट्राई आ रहा है ना, ट्राई मीन्स क्या होता है, तीन। ये एक तरह के थे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने ट्रायड्स को कहा था थ्री एलिमेंट्स का एक ग्रुप। तो इन्होंने जो सबसे पहला हमारे पास जो मॉडल आया था डोबे राइनर ट्रायड, ये जो डोबे राइनर ट्रायड आया था ये आया था 1829 में। 1829 में इस अटेम्प्ट को किया गया, एक तरह का लॉ था। ये भी एटॉमिक वेट ही इसका बेसिक क्राइटेरिया था। पर डोबे राइनर ने ही कहा था कि एक्चुअली जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक वेट और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, बेसिकली हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ही बेसिक उसमें लेते थे, प्रॉपर्टीज के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज को नहीं कंसिडर किया जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि जो एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट है और केमिकल प्रॉपर्टीज है उनके बीच में एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप किस बेसिस पे दिया उन्होंने, कि अगर हम तीन एलिमेंट्स को एक बेसिक ग्रुप बनाते हैं, जैसे माना हमारा हमने एलिमेंट्स ले लिए ए बी और सी, ये हम सपोज कर रहे हैं कि सपोज हमने क्या किए, ये तीन एलिमेंट्स लिए जिसमें पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा क्या है सी। और ए का जो एटॉमिक वेट है वो है ए स्मॉल ए, ऐसे बी का सी का ले लेते सी है। तो उन्होंने कहा जो मिडिल में जो एलिमेंट आएगा, तीन के ग्रुप में मिडिल में जो एलिमेंट आएगा उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो पहले और तीसरे के एटॉमिक वेट के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा, यानी ए प्लस सी अपॉन टू के बराबर होगा। इस तरह से उन्होंने अपना लॉ दिया है। उन्होंने क्या कहा कि अगर हम कोई भी तीन एलिमेंट का ग्रुप लेते हैं तो वो ग्रुप इस तरह से बनता है कि जो मिडिल वाला होगा उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो पहले और तीसरे के एटॉमिक वेट का अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है, और इसको उन्होंने प्रूफ भी किया, कुछ ट्रायड्स भी बनाए उन्होंने जिसमें से किसी का नाम हम जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जो पहला ट्रायड था वो था फर्स्ट ग्रुप का, जिसका नाम होता है सोडियम, सॉरी लिथियम, सोडियम और किसका, पोटेशियम का। ये तीनों एलिमेंट क्या करते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। और इनका एक और ये है कि इनका, इसका जो लिथियम का एटॉमिक मास होता है 9 3 6 7 होगा, सॉरी 7 होता है। पोटेशियम का कितना जाएगा, 39 होता है। तो जो सोडियम का मास आएगा वो कितना आएगा, 7 प्लस 39 अपॉन 2, यानी कितना, 46 अपॉन 2, यानी 23। और एक्चुअल में इसका जो मास हुआ, एटॉमिक वेट जिसको हम बोलते हैं, वो सेम आया 23। यानी कुल मिला के
रियल में उनका एक रिलेशनशिप बन रहा था कि अगर हम एलिमेंट्स को उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वालों का एक ग्रुप बनाएं तो उसमें जो मिडिल वाले का जो एटॉमिक वेट आएगा वो फर्स्ट और थर्ड के अर्थमेटिक मीन के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये उन्होंने रिलेशनशिप बताया, यानी क्या बताया डॉबी राइनर ने, अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट ऑफ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका ग्रुप में हमेशा हमेशा उनको रखेंगे जिनका प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड किसका किसके बीच में था ये केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड बताइए बताइए उनके एटॉमिक वेट हुए, एटॉमिक अभी सही दिख रहा है ना, हाँ, तो उनके एटॉमिक और केमिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक बीच के में रिलेशनशिप समझाने के लिए उन्होंने किया है। ये इतनी सी बात बोलते हैं, इस तरह के उन्होंने दो तीन ट्रायड और बनाए थे, जैसे उन्होंने बनाया था क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का एक ट्रायड था, ठीक है, ये था एक ऐसी ऑक्सीजन की फैमिली का था, सल्फर सिलीनियम और टेल्यूरियम का, इस तरह की उन्होंने दो तीन ट्रायड ट्राई किए थे। लेकिन बाद में हुआ क्या, इसकी लिमिटेशन लिमिटेशन वही कि क्या क्या नहीं समझा पाए वो, इस तरह के कुछ ही ट्रायड्स तक ये जो लॉ था वो लागू हो पाया। उसके बाद जो अदर एलिमेंट्स आए, यानी जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे उनमें ये ट्रायड्स वाला क्राइटेरिया फिर पूरी तरह से फिल नहीं हो रहा था, ना ही उनका एटॉमिक वेट अर्थमेटिक मीन दिखा रहा था मिडिल वाला, तो इस तरह से लगभग कहते हैं तीन एलिमेंट तीन ट्रायड ही बना पाया, यानी नाइन एलिमेंट्स के लिए सही रहा, उसके बाद ही फेल हो गया। तो उसके बाद जो जस्ट बाद आए वो आए थे कौन से, न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया। तो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो नेक्स्ट जो आए थे वो न्यूलैंड्स आए थे, इन्होंने जो अपना रूल दिया था वो दिया था कब, 1865 में, 1865 में इन्होंने अपना रूल को दिया था। उन्होंने भी यही कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाएं, क्या लगाएं, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाते जाएं, तो होता क्या है, क्या कंसिडर किया इन्होंने कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो एट्थ एलिमेंट आएगा उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। यानी जैसे हम लोगों ने एलिमेंट्स लगाए हैं फर्स्ट, ऐसे सेकेंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन, तो जो एट आएगा वो जस्ट किसके नीचे आएगा, वन के नीचे यहाँ पे, और क्यों, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। तो यानी जब भी हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट की इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखें तो फर्स्ट वाला जस्ट क्या आएगा, उसके नीचे एट्थ आएगा, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। यानी प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन का लॉ था ये लॉ सेम उसी से मैच करता है, जिस तरह से हम लोग म्यूजिकल नोट पढ़ते हैं, कौन सा, जैसे होता है सा रे गा मा पा धा नी और सा, तो सा के नीचे जस्ट सा आ रहा है, ये दोनों सेम है, कौन सा एलिमेंट कौन सा है देखिए कि नहीं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठवां जो है सेम मैच कर रहा है। तो यहीं से ऑक्टेव जो वर्ड आया था वो यहीं से आया था कि क्या होगा कि जो एलिमेंट्स होंगे उनको अगर हम उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाएं तो जो एट्थ एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, फर्स्ट वन से क्या रखेगा, सिमिलरिटी रखेगा। इस तरह से उन्होंने क्या बनाई, अपनी एक टेबल जैसी बनाई। तो ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बनाया था, अपना एक टेबल बनाया था। इससे पहले एक ग्रुप बन रहे थे, जैसे डॉबी राइनर ने बनाए थे ट्रायड्स, अदर साइंटिस्ट भी थे पर उनके अटेम्प्ट को इतना अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता है इसलिए हम उनको नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो टेबल बनाई थी उन्होंने इस तरह से बनाई थी, एलिमेंट्स रखे थे, पहला था लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उस टाइम पे नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उसके हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट्थ जो था वो जस्ट इसके नीचे आया, उसका नाम था सोडियम। ऐसे फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और उसके जस्ट नीचे क्या आया, पोटेशियम। तो ये तीनों के तीनों, जैसे ये तीनों सेम ग्रुप के अंदर आ रहे हैं तो इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। फिर क्या होगा, पोटेशियम
और कैल्शियम, तो कैल्शियम का मास है 40, 40 अराउंड होता है इसका मास। तो इस तरह से इतनी टेबल उन्होंने बना के दी कैल्शियम तक, 40 मास तक। तो उन्होंने क्या कहा, जो एलिमेंट सेम लाइन में आ रहे हैं यानी सेम प्रॉपर्टीज में है, उनकी क्या होंगी, सॉरी सेम ग्रुप में है उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, जिस तरह से इसमें, फिर ऐसे इसमें, 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 इस तरह से। तो प्रॉब्लम क्या रही, इतना ही था ये, इसी को क्या बोल देते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव। तो इसकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको हम करते हैं, स्टडी करते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव यहीं से आया था, म्यूजिकल नोट से। बस आप लोग ये याद रखना कि म्यूजिकल नोट जो होता है उसके बेसिस पे न्यूलैंड ने अपना लॉ कंसिडर किया था कि सेम प्रॉपर्टीज होती है इसकी। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की लिमिटेशन देख रहे थे हम। इसका पहला जो लिमिटेशन है वो क्या है, पहला लिमिटेशन जो होता है वो ये होता है कि जैसे हम लोगों ने अभी आगे टेबल देखी थी, वो टेबल कहाँ तक थी, कैल्शियम तक ही थी। तो पहला जो प्रॉब्लम होगा वो ये होगा कि जो न्यूलैंड्स का जो टेबल बनाया न्यूलैंड ने, वो 40 मास, वो 40 एटॉमिक वेट से ऊपर वालों के लिए लागू नहीं हुआ। जो 40 एटॉमिक वेट था उससे ऊपर के एलिमेंट्स के लिए ये रूल लागू नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड द 8th एलिमेंट विल शो द सेम प्रॉपर्टीज लाइक फर्स्ट वन, पहले वाले की तरह प्रॉपर्टीज शो करेगा 8th वाला। ये तब तक था जब तक नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। जैसे ही नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई, नोबल गैसेस की डिस्कवरी होगा क्या, पहले क्या था, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद अगर नियॉन डिस्कवर हो गया तो उसके बाद जो सोडियम का नंबर हो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चेंज हो रहा है ना। अभी 8th पोजीशन पे नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, 9th पोजीशन पे। तो जो न्यूलैंड ने पोजीशन वाली बात कही थी वो क्या हो जाएगी, पूरी तरह से गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, पहला वाला लॉ ऑफ ऑक्टेव कुड नॉट अप्लाइड बियॉन्ड कैल्शियम, ठीक है। ये पहला था इसका कि ये कैल्शियम के ऊपर उनके लिए अप्लाई नहीं हो पाया था, ठीक है। इसी तरह से क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस मेक मेक आई नो मेक मेक 8th एलिमेंट नो सिमिलर टू, नॉट लिख देना, नॉट सिमिलर टू फर्स्ट वन, नॉट सिमिलर टू फर्स्ट वन। ये इसका मेजर ड्रॉबैक था, ठीक है, कि इसका जो लॉ ऑफ एक्टिव नाम पे इसने ऑक्टेव रख दिया था ना, तो वो गलत हो गया, ठीक है। तो ये था लिमिटेशन। तो 1869 में न्यूलैंड्स के अटेम्प्ट के बाद, क्योंकि न्यूलैंड्स का जो टेबल था जो उसने अटेम्प्ट किया था टेबल बनाने का, वो तो फेल हो गया था। उसके बाद 1869 में दो साइंटिस्टों ने इंडिपेंडेंटली यानी अलग अलग तरह से सेम टाइम पे एक लॉ दिया था, पीरियोडिक लॉ। दोनों का सिमिलर था, उनमें से मेंडलीफ भी आते हैं और दूसरे आते हैं लदर मेयर, ठीक है। पर इनमें से जो ज्यादा दिया गया कंसिडर, जिसको ज्यादा किया गया, वो मेंडलीफ को किया गया। मेंडलीफ को कंसिडर क्यों किया जाता है वो हम बाद में करेंगे, पहले हम मेयर का कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि उन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन किया। तो सेम टाइम पे, क्योंकि मेंडलीफ के टाइम पे थे इसलिए इनका इनका नाम इसलिए ज्यादा आता नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे, जस्ट उसी टाइम पे मेंडलीफ का जो वर्क था वो काफी ज्यादा क्या था, ब्रीफ था। तो इनका नाम कहीं छिप गया। इन्होंने में क्या दिया था, 1869 में क्या दिया था, पीरियोडिक लॉ दिया था, पीरियोडिक लॉ, ठीक है। पीरियोडिक लॉ वही कि अगर हम एलिमेंट्स को क्या करेंगे, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाएं, तो एक करेक्ट सीरीज में हम लोगों को सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स मिल जाते हैं। इन्होंने एक्चुअली, इन्होंने टेबल की बात नहीं की थी, इन्होंने अपने कर्व में ये चीज समझाई थी, किसका, इन्होंने एक कर्व बनाया था एटॉमिक वेट का, किसके वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम का, कुछ इस तरह का था वो टेबल कर्व। इस तरह से, जिसमें से उन्होंने कहा था कि इसके जो पीक पे हमेशा जो एलिमेंट्स आते हैं वो क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव,
जिसमें सोडियम पोटेशियम और कौन से थे, रूबिडियम था। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि इन जो अब हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट का कर्व बनाते हैं, तो उनमें हमेशा क्या होता है, एक क्या बनता है, कर्व टाइप का क्या बनता है, स्लोप बनता है। उस स्लोप में जो हायर पीक होता है उसमें हमेशा वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी पॉजिटिविटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, और ये हमेशा क्या होते हैं, एक तरह की उसमें होते हैं, एक लाइन में होते हैं। इसी तरह से सोडियम के जस्ट नीचे जो होंगी वो दोनों क्या मिलेंगी, नोबल गैसेस और हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ऐसे यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे कौन सा होगा, नियॉन, इधर होगा फ्लोरीन, इधर होगा क्लोरीन, इधर होगा आर्गन, इधर क्या होगा, ब्रोमीन और क्रिप्टन। ठीक है, इसी से जस्ट बाद उसके बाद यहाँ पे मैग्नीशियम होगा, यहाँ पे कैल्शियम होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम होगा। तो इस तरह कर्व है, इसको हम लोग रियल डायग्राम लिखते हैं मियर का, कि उन्होंने किस तरह से कर्व दिया था और उसके बेसिस पे समझेंगे। तो ये जो सामने दिया गया है ये आपको दिख रहा है, ये है मेयर का कर्व जो उसने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास को रिस्पेक्ट में रख के दिया था। ठीक है, तो जिस तरह से इसमें दिख रहा है, इसमें जो हाईस्ट पीक पॉइंट कौन सा दिख रहा है, हीलियम। ठीक है, सोडियम जो ये होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे पोटेशियम होना चाहिए हाईएस्ट पीक पे। ऐसे यहाँ पे क्या दिख रहा है, रूबीडियम। तो इस तरह से हाईएस्ट जो पीक थे उन्होंने ये कहा था कि उस पीक पे कौन होंगे, हमेशा हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो अगर दिख रहे होंगे तो ये क्या है, दिख रहे हैं एक सीरीज में। इसी तरह से ये है यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। इसी के जस्ट सामने दिख रहा है वो है नियॉन, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टन, और सीरीज सेम वही है। हम लोगों ने उनको उसी ऑर्डर पे लगा रखे हैं जिस हिसाब से उनका क्या आ रहा है, एटॉमिक वेट आ रहा है। जैसे पहला हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन। उसी तरह से सेम जिस तरह से क्या किया था मेंडलीफ ने अपना टेबल दिखाया है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन बस प्रॉब्लम ये थी कि ये कर्व के ही बेसिस पे उन्होंने दिया, इस पे उन्होंने ज़्यादा मेहनत करी नहीं, उन्होंने कर्व बना के दे दिया और कहा कि इसी तरह से हम लोग उनको क्लासीफाई कर पाएंगे। ठीक है, और इसीलिए उनके रोल को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया था इस पे, ज़्यादा मेहनत बोलेंगे या ज़्यादा वर्क नहीं दिया जिससे लोगों को समझ में आ पाए। इसके टेबल में देख लिया, कर्व के बेसिस पे इसने समझाया था, लेकिन एक्चुअली जो मेयर का कंट्रीब्यूशन था वो सेम मेंडलीव की तरह ही था। एटॉमिक बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स क्लासिफाई किया, सीरीज में भी लिए, लेकिन ये बहुत ही हाईली अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट इसको बोला गया समझने का एलिमेंट्स को, क्योंकि एलिमेंट्स जो थे वो कर्व फॉर्म में थे। कर्व फॉर्म में होने के कारण कुछ इस तरह का कर्व था, जो कर्व जो था वो क्या होता, हाईली अनऑर्गेनाइज था, क्योंकि एलिमेंट्स को हम लोग इस तरह से सीरीज में देखेंगे इस तरह से। और दूसरा, उनकी एक्यूरेट पोजीशन हम कंसिडर नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास डेटा ना हो। तो डेटा के बेसिस पे हम लोग उनको कंसिडर कर भी रहे थे, जिससे हमें ये पता चल रहा था कि सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, ये तीनों एक ही उसमें आते होंगे ग्रुप में। इसी तरह से फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन सेम सीरीज में आते होंगे, सेम ग्रुप में आते होंगे। इसी तरह से नियॉन, आर्गन और ट्रिप्टन, ये चीजें हमें पता चल रही थी, लेकिन कर्व जो है वो कोई एक्यूरेट फॉर्म नहीं हुआ जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाए। इसलिए इस अटेम्प्ट को, क्लासिफिकेशन के अटेम्प्ट को इतना वैल्यू नहीं दिया गया। इसके जस्ट बाद मेंडलीफ आए, जिन्होंने काफी अच्छा क्या करा, उनको हद तक एक्सप्लेनेशन दिया जिसको हम लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो ये थे तीन, डोबेरेनर का ट्रायड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव और मेयर का क्लासिफिकेशन। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम मेंडलीफ और मोजली का कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, उनकी दी गई हुई टेबल को पढ़ेंगे। ठीक है, इस आज की क्लास के लिए इतना ही।